आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। अमेठी कोतवाली जायस पुलिस ने बाइक सवार युवक से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट के दरमियान उपयोग किए गए एक अवैध तवंचा व जिंदा कारतूस व धारदार चाकू किया बरामद। गौरीगंज पुलिस 3 अभियुक्तों को बर्ना टीकर के पास से किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा दी गई जानकारी। अमेठी से जिला संवाददाता आमिर हुसैन की खास रिपोर्ट। घटना हुई थी जिसमें रंगदारी की मांग की गई थी, क्या है पूरा घटनाक्रम? जायस के निवासी महबूल अहमद ने 28 जुलाई को हमारे थाना हाजा पर एक अभियोग पंजीकृत कराया कि उनको अज्ञात लोगों ने मोबाइल फोन से जान से मारने की धमकी दी है और 20 लाख रुपये की मांग की। हमने इस प्रकरण को पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल 386-507 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया और सर्विलांस करते हुए हमने अपनी टीमों को रवाना किया। हमारी टीमें इन अज्ञात अभियुक्तों की तलाश में काफ़ी दूरी तक गई और कालांतर में उनका पीछा करते हुए उनको आज अमेठी से गिरफ्तार किया गया। इसमें यह प्रकरण पाया गया कि मकबूल अहमद का शोएब के साथ भूमि विवाद था और ये 1 वर्ष से आपस में वार्ता कर रहे थे कि जिनका समाधान नहीं हुआ। शोएब को कहीं से ये पता चला, किसी उसके मित्र ने बताया कि रफाकत जो कि अमरोहा का रहने वाला है वो अत्यंत अपराधी प्रवृत्ति का भी है और प्रभावशाली भी है और वो इनके प्रकरण में समाधान करवा देगा और उसने इन्होंने उससे संपर्क किया। रफाकत ने 3 लाख रुपए की मांग की थी इस प्रकरण को सुलझाने के, इस प्रकरण का उनको उनके पक्ष में समाधान कराने के लिए। रफाकत ने इस बात को स्वीकार किया है। इसमें शोएब और रफाकत को गिरफ्तार किया गया और आज उन्होंने उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस तथ्यों को सब कुछ स्वीकार किया है। इसमें जिस पुलिस टीम ने इस मेहनत करते हुए इस केस का अज्ञात केस का अनावरण किया है उनके लिए 2500 रुपये पुरस्कार की घोषणा की।